आईपीएल 2020 के एक और मुकाबले में 200 रन प्लस स्कोर हुआ था, लेकिन सामने वाली टीम चेस नहीं कर पाई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 17 की, जहां पर हमें देखने को मिला सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच एक घमासान मुकाबला। इस मुकाबले में हमने देखा किस प्रकार से मुंबई इंडियंस के धुरंधर खिलाड़ियों ने सनराइजर्स हैदराबाद खिलाड़ियों को ना ही हाथ खोलने का मौका दिया, ना ही उनको गेंदबाजी में कुछ ज़्यादा कमाल करने का मौका दिया, क्योंकि हमें मैच में छाए हुए दिखाई दिए किस प्रकार से पांड्या ब्रदर्स की बदौलत ही टीम ने अच्छा खासा आज मुकाम हासिल किया। 208 के लक्ष्य तक पहुंच पाई थी मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर आपको बताते हैं कि शुरुआत में मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने क्यों आई थी, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था और मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने आई थी। शारजहां का मैदान था, शारजहां के मैदान पर अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं वहां का प्रोजेक्टिव स्कोर ही 216 का दिखाता है, तो आज के मुकाबले में 200 का स्कोर तो पार गया, लेकिन 208 ही रन बना पाई मुंबई इंडियंस की टीम। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि 190 तक ही स्कोर सीमित रह जाएगा, लेकिन अंत में कुणाल पांड्या की 4 गेंदों पे 20 रन की पारी की बदौलत ही टीम इस स्कोर पे पहुंच पाई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 500 के स्ट्राइक रेट से कुणाल पांड्या आखिरी की 4 गेंदे खेले थे। शुरुआत में रोहित शर्मा से काफ़ी उम्मीद थी कि जिस प्रकार से बिग हिटिंग सिक्सेस के मामले में जाने जाते हैं रोहित शर्मा, तो बल्लेबाजी करते हुए इस छोटे मैदान का पूरा फायदा उठाएंगे और इनके बल्ले से एक धुआंधार पारी देखने को मिलेगी, लेकिन रोहित शर्मा 50 रन बनाते से पहले वो 5 गेंदों पर ही 6 रन बना के आउट होकर चलते बने। बॉलर आज संदीप शर्मा खेल रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार को एक इंजरी आ गई थी, जिसकी वजह से उसी इंजरी की आज के मैच में भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए नहीं दिखाई दी, उनकी जगह संदीप शर्मा खेले और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो कमी भुवनेश्वर कुमार की पूरी कोई नहीं कर सकता। शुरुआत में रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक की जोड़ी कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि रोहित शर्मा पहले ही आउट हो गए थे। क्विंटन डिकॉक ने मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन यानी कि 39 गेंदों में 67 रन मारे थे। इन्होंने 4 छक्के और 4 चौके मारे। शारजहां के मैदान पर हमें चौके कम और छक्के ज़्यादा लगते हुए देखने को मिलते हैं। सूर्य कुमार यादव आए, इनके बल्ले से छक्कों की उम्मीद थी, लेकिन ये चौके ही मारते रह गए और 6 चौके उन्होंने मारे। 18 गेंदों में 27 रन बना के ये आउट होकर चले गए। ईशान किशन जो कि 99 रन पर आउट हुए थे पिछले मैच में, तो हमें देखने को मिला इनके बल्ले से भी अच्छे खासे रन आए, जहां इन्होंने भी 2 छक्के लगाए। 23 गेंदों पर 31 रन बनाए ईशान किशन ने। हार्दिक पांड्या की बारी थी। हार्दिक पांड्या के माहौल के हिसाब से मैदान और मुकाबला दोनों ही एकदम मंच एकदम ऐसा सजा हुआ था, जहां पर हार्दिक पांड्या अपना हुनर दिखा सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या आज के मुकाबले में भी एक लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, जहां पर हार्दिक पांड्या कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं और किसी वजह से उनकी विकेट चली जाती है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला कि सिद्धार्थ कोल ने हार्दिक पांड्या की कुछ गलतियों का फायदा उठाते हुए इनकी विकेट ले ली। 2 छक्के इनकी पारियों में देखने को मिला 2 चौके के साथ। 19 गेंदों में 28 रन हार्दिक पांड्या ने ही बना पाए थे। केरन पोलार्ड लास्ट में अंत तक टिके हुए थे कुणाल पांड्या के साथ। केरन पोलार्ड के बल्ले से एक भी चौका नहीं आया, लेकिन 3 छक्के इनकी पारी में देखने को मिले। 13 गेंदों में 25 रन केरन पोलार्ड ने 192 के स्ट्राइक रेट से खेली थी। कुणाल पांड्या जब आए तो मैच में रंग ही चढ़ गया, क्योंकि इन्हें सिर्फ 4 ही गेंद देखी थी खेलते हुए मिलनी थी, लेकिन उस 4 गेंद पे भी इन्होंने अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया था टीम का, जहां पर आखिरी ओवर में 10 या 5 ही रन आते, लेकिन उसी स्कोर को इन्होंने 21 में बदल दिया था, यानी आखिरी ओवर में 21 रन आए थे, जिसकी बदौलत टीम 208 तक के लक्ष्य तक पहुंच पाई थी, स्कोर खड़ा कर पाई थी, लेकिन इन्होंने 2 छक्के और 2 चौके लगाए थे अपने 4 गेंदों में। पोलार्ड ने 3 छक्के लगाए थे। कुणाल पांड्या का स्ट्राइक रेट 500 का था। अब टीम ने 208 जितना लक्ष्य खड़ा कर दिया था हैदराबाद की टीम के सामने, और हैदराबाद की अगर बैटिंग लाइनअप्स की बात करें तो ऐसे दिग्गज बल्लेबाज थे, ऐसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे जो इस रन चेज में आसानी से 1-2 ओवर पहले ही इस मैच को जीत जाते। लेकिन दोस्तों, आपको पूरा मैच हाल के बताते हुए चलते हैं किस प्रकार से शुरुआत में डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की जोड़ी एक बार फिर से आई, लेकिन आज के मुकाबले में हमें देखने को मिला डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की जोड़ी से काफ़ी उम्मीद थी। माहौल और मंच दोनों सजा हुआ था, जहां पर डेविड वार्नर को एक कप्तानी पारी खेलनी थी, जो कि इस सीज़न में अभी तक इनके बल्ले से नहीं देखने को मिली, तो दूसरी तरफ जॉनी बेस्टो जिनका पहले ही मैच में बल्ला चला था, बाकी मैचेस में शांत रहा। आज का मैच भी जॉनी बेस्टो के लिए ज़्यादा खास नहीं रहा, क्योंकि जिस इनिंग के लिए जॉनी बेस्टो जाने जाते हैं उस इनिंग में अपने बल्लेबाजी को तब्दील नहीं कर पाए। 15 गेंदों में 25 रन बनाया था और हैदराबाद की पहली विकेट चली गई थी, ट्रेंट बोल्ट ने इनकी विकेट ली थी। दूसरी तरफ से हमें देखने को मिला किस प्रकार से डेविड वार्नर जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रही थी, इसी वजह से डेविड वार्नर काफ़ी ज़्यादा दुविधा में थे कि वो हाथ खोल के बल्लेबाजी करें या फिर अपना छोर संभाले रखे कि दूसरे बल्लेबाजों को मौका दें। तो इन्होंने ये फैसला लिया कि दूसरे बल्लेबाजों को मौका देंगे और अपना छोर संभाल के रखेंगे ताकि वो अंत में कामयाब रहे। मनीष पांडे ने 19 गेंदों पर 30 रन की एक छोटी पारी खेली, इनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। अगर ये कहीं 70-80 रन की पार्टनरशिप डेविड वार्नर के साथ बना लेते
तो टीम को जीत मिलने में काफ़ी आसानी होती। लेकिन मनीष पांडे ने डेविड वार्नर का साथ ज़्यादा देर तक नहीं दे पाए। 19 गेंदों में 30 रन बनाए थे, एक छक्का और चार चौके इनकी पारी में देखने को मिले, तो ये आउट होकर चले गए। अब उम्मीद सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी थी केन विलियमसन से। माहौल पूरी तरीके से बन चुका था, 13-14 रन तक का रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका था। अब टीम को जरूरत थी एक पार्टनरशिप की जो कि आखिरी के 3-4 ओवर तक लेके जाए, क्योंकि जितनी जल्दी इनकी विकेट गिर रही थी गेंदबाज कमाल कर रहे थे। बल्लेबाजों के हिसाब से अनुकूल थी पिच, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, छोटा ग्राउंड था, छक्के ज़्यादा देखने को मिलते हैं चौके से ज़्यादा, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बल्लेबाज उस मैदान का फ़ायदा नहीं उठा सके। हमने पहले मुकाबले में देखा था जब CSK के सामने किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने एक लंबा स्कोर खड़ा कर दिया था, तो वहां पर देखने को मिला किस प्रकार से एक 216 रन तक का लक्ष्य हुआ था, जिस लक्ष्य को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरा नहीं कर पाई थी और 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में हमने देखा था किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच जब मुकाबला था, और पहला वाला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का था, दूसरा मुकाबला जब था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब का, तो राजस्थान किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 का लक्ष्य खड़ा करा था और उसी लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए 223 बना भी दिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। यानी जो भी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई है उसने 200 प्लस तो बनाई है, फिर चाहे फर्स्ट इनिंग की बात हो या सेकंड इनिंग की। पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस हमें देखने को मिला था, जहां पर अच्छा खासा रन चेस का मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन एक समय पे काफ़ी आगे निकल चुकी थी बाकी टीमें, जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर ने भी कहीं ना कहीं 208 तक का रन बना लिया था। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक ऐसी टीम बन चुकी है जो कि शारजहां जैसे मैदान पर 200 रन नहीं बना पाई, फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग, दोनों इनिंग में नहीं। केन विलियमसन 5 गेंदों पर 3 रन बनाते हुए चलते बने। प्रियम गर्ग की जब बारी आई पिछले मैच के हीरो थे, लेकिन इस मैच में ये जीरो साबित हुए, क्योंकि 7 गेंदों में 8 ही रन बना पाए, एक भी छक्का नहीं, एक भी चौका नहीं, कुणाल पांड्या की गेंद पर आउट होकर चलते बने। आज के मैच में कुणाल पांड्या ने काफ़ी अच्छा कमाल करके दिखाया है। दूसरी तरफ से आए अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ऐसे माहौल में आए थे जब विकेट काफ़ी तेज़ी से गिर रहे थे, तो इन्होंने सोचा था कि अपना छोर संभाल के खेलें, लेकिन छोर संभालने के चक्कर में एक भी चौका छक्का नहीं लगाया और टेस्ट मैच बना दिया था इन्होंने अपने बल्लेबाजी को, क्योंकि 13 गेंदों में 10 ही रन बना पाए थे और आउट होकर ये भी चलते बने। तो वहीं हमें देखने को मिला किस प्रकार से अब्दुल समाद आए, जिनसे काफ़ी उम्मीद थी टीमों ने इनसे काफ़ी उम्मीद लगा रखी थी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीरी प्लेयर हैं और काफ़ी कम उम्र के हैं, काफ़ी पावर हिटिंग सिक्सेस के मामले में जाने जाते हैं, तो इनकी एक छोटी पारी देखने को मिली। 9 गेंदों पर 20 रन मारे, 2 छक्कों की बदौलत, 1 चौके की बदौलत, ये भी आउट होकर जसप्रीत बुमराह गेंद पर चलते बने। राशिद खान की तरफ से हमें देखने को मिला 7 गेंदों में 3 रन बनाए, नाबाद रहे। संदीप शर्मा 1 गेंद में 0 रन बनाए, नाबाद रहे और टीम हार गई, कुल 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यानी मुंबई इंडियंस की टीम ने 34 रन से हरा दिया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को, जिसके चलते आसानी से इस मैच को मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था। और साथ ही अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से पॉइंट टेबल की, जिसमें हमें पॉइंट टेबल में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस सीज़न में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ कुछ टीम हारती है तुरंत ही ऊपर पहुँच जाती है, तो कोई टीम जीत के साथ भी नीचे रहती है। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद अगर हारी है और मुंबई इंडियंस की टीम जीती है तो कौन से नंबर पर है? मुंबई इंडियंस की टीम 5 में से 3 मैच जीतकर 2 मैच हारकर नेट रन रेट काफ़ी अच्छा है, जिसकी बदौलत ये पहले स्थान पे आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स 4 में से 3 मैच जीती है और दूसरे नंबर पे है। RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 4 में से 3 मैच जीतकर तीसरे नंबर पे, यानी तीनों टीमें 3-3 मैच जीती है, बावजूद इसके नेट रन रेट का फर्क पड़ता है और इसलिए इनको ऊपर नीचे आना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जब हारी तो कोलकाता नाइट राइडर की टीम चौथे पे आ गई, जो अभी तक 5वें पे थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी 4 में से 2 मैच जीती है, लेकिन उनका नेट रन रेट अच्छा नहीं है, इसलिए 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद आ गई इस हार के साथ। अब मुकाबले में उनकी 3 हार हो चुकी है, तो किंग्स इलेवन पंजाब भी 4 में से 1 मैच जीती है और 3 हारी है और वो 7वें नंबर पे है। चेन्नई सुपर किंग्स जो CSK 4 में से 1 मुकाबला जीती है, 3 हारी है, जिसकी वजह से वो 8वें नंबर पे है। इन सभी टीमों का नेट रन रेट इनके स्कोर पर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, हमें देखने को मिला किस प्रकार से हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी उनका साथ नहीं दे पाई, गेंदबाजों ने कमाल कर दिया कह सकते हैं। जो पिछले मुकाबले देखे शारजहां के उठा के 220-230 तक के स्कोर पहुंचे थे, लेकिन आज के मुकाबले में 208 तक ही टीम को रोक दिया। आखिरी ओवर में अगर 21 रन नहीं आते तो 190 या फिर 195 तक का टारगेट होता, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी खास रही, बल्लेबाजी में ज़्यादा कुछ कमाल हमें नहीं देखने को मिला। गेंदबाजों की भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, गेंदबाजी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, कौन सी टीम से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैदराबाद की टीम की, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने ही पहले गेंदबाजी चुनी थी। तो संदीप शर्मा जो कि आज खेल रहे थे बैकअप में भुवनेश्वर कुमार के, तो उनके 4 ओवर में 41 रन आए, महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेट मिली। नटराजन के 4 ओवर में 29 रन आए, सबसे अच्छा इकोनॉमी इनका कह सकते हैं।
दूसरी तरफ सिद्धार्थ कोहली की क्या ही बात करें दोस्तों, 24 गेंदों में 64 रन दे दिए। जी हाँ दोस्तों, 16 के इकोनॉमिक से हिसाब से इन्होंने आज 4 ओवर में 64 रन, उम्मीद नहीं थी इनसे 4 ओवर में 64 रन पड़े, बावजूद इसके डेविड वॉर्नर इनको लगातार ओवर देते रहे। आखिरी ओवर इन्होंने ही कराया होगा, इसी वजह से इतना रन पड़ गया, लेकिन इन्होंने 2 विकेट ली। अब्दुल समाद ने 2 ओवर में 27 रन दिए। 13.5 की इकोनॉमी से इन्होंने गेंदबाजी की, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। राशिद खान एक बार फिर से किंग साबित हुए, क्योंकि इन्होंने अपने 4 ही ओवर में 22 रन दिया, यानी 24 गेंदों में 22 रन दिया और एक विकेट भी ले ली। कैन विलियमसन ने भी आज गेंदबाजी करी थी, कुछ अनोखा ही नज़ारा हमें मैदान पर देखने को मिला। कैन विलियमसन ने गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 24 रन दिए। बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, जिसने बल्लेबाजों को हाथ नहीं खोलने का मौका दिया हैदराबाद के, तो ट्रेंट बोल्ट छाए रहे पूरे मैच में, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने 24 गेंदों में 28 रन देकर 2 विकेट लिया। जेम्स पैटिनसन ने भी 4 ओवर में यानी 24 गेंदों में 29 रन देते हुए 2 विकेट लिए। कुरनल पंड्या ने भी आज अपने 4 ओवर डाले, क्योंकि ये विकेट ले रहे थे, 4 ओवर में इन्होंने 35 रन दिए और 1 विकेट लिया। इनका इकोनॉमी हैदराबाद के किसी बॉलर से काफ़ी अच्छा है। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 41 रन देते हुए 2 विकेट लिया। केनान पोलार्ड ने भी जब डाली गेंद तो 3 ओवर इन्होंने भी कराए और 20 ही रन दिए। राहुल चहर आज महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 16 रन दिया, लेकिन कमाल की कैच पकड़ी थी हमें देखने को मिला। एक कैच कमाल के ईशान किशन ने पकड़ी थी, उस कैच की हर जगह तारीफ हो रही होगी इस समय, आप भी जाकर देखिए वो कैच कितना ज़्यादा शानदार था। तो कुछ इस प्रकार से रहा आज का मुकाबला, जहां पे हमें साफ कुछ खास देखने को मिला सिवाय एक चीज़ के, वो थी डेविड वॉर्नर की बल्लेबाजी, हैदराबाद की टीम से अच्छी देखने को मिली। उसके अलावा किसी का बल्ला भी नहीं चला, सब ने मिनी मिनी पारी खेली, यानी छोटी छोटी पारी खेली, जहां पर 20 गेंदों में 30 रन ऐसे ही कुछ खेलते हुए चलते बने। तो अब हमें दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच देखने को मिलेगा। इसकी हाईलाइट के साथ भी आप सभी के साथ पेश होंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।